हेलो स्टूडेंट, आशा है कि आप लोग ठीक होता होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो एग्जाम में दो बार आ चुका है आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, आप लोग ध्यान दे दीजिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ में नहीं समझने वाला बात तो नहीं है, एवरीथिंग इज सिंपल, जस्ट बेसिक फ्रॉम क्लास 12। डेफिनेशन में जाने से पहले चलो एक बार देखते हैं कुछ एग्जांपल। सपोज वी हैव एन एपर्चर हियर, हियर इज द सोर्स ऑफ लाइट। सो लाइट कैसे जाएंगे? लाइक दिस ओके, एक केस हो गया। तो दिस इज एन एपर्चर, ओके, स्मॉल ओपनिंग, नैरो ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एपर्चर। लेकिन ऑब्स्टेकल ऐसे भी हो सकते हैं लाइक दिस, यहां में सोर्स होगा तो लाइट ऐसे जाएंगे, ठीक। ये केस में मान लो स्क्रीन यहां में है, स्क्रीन यहां में है, सोर्स, तो ये तो ब्लॉक है, दिस इज ऑल्सो ब्लॉक, लाइट यहां से नहीं जा पाएगा। क्लियर? तो लाइट ऐसे जा रहा है। तो देखा जाए तो ये पर्सन ब्राइट होना चाहिए, दिस पर्सन विल बी इल्यूमिनेटेड, राइट। तो यहां से तो ये डार्क होना चाहिए, ये रीजन, दिस रीजन शुड ऑल्सो बी इन डार्क, राइट। तो ठीक है, हम लोग यहां में डार्क मिलेगा, यहां में डार्क मिलेगा। तो इसको बोलता है ज्योमेट्रिकल शेड ओरिजिन। ज्योमेट्रिकल शेड ओरिजिन क्यों? क्योंकि हम लोग लाइट को ज्योमेट्रिकल में कंसीडर कर रहा है, ठीक। तो ये भी इसका नीचे में शेड, ज्योमेट्रिकल शेड ओरिजिन, आई मीन बिलो दिस ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, फिर यहां से ऊपर एबव ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, ठीक। लेकिन असल में देखा गया है कि यहां में स्क्रीन टोटली डार्क नहीं होता है, यहां पे देखा जाए तो डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, पिंजेस बनता है। यहां पे नीचे में भी डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड एंड सो ऑन, एंड अल्टीमेटली आफ्टर सम डिस्टेंस तब फाइनली डार्क हो जाता है, ठीक। ये भी आफ्टर सम डिस्टेंस तब फाइनली डार्क हो जाएगा। तो उसका मतलब मान लीजिए यहां से डार्क हो गया, ये भी मान लीजिए यहां से डार्क हो गया। सो दिस पोर्शन अप टू हियर, इसका हम लोग बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, ये है स्क्रीन। तो देखा जाए तो लाइट जो बेंडिंग हो रहा है अप टू हियर, लाइट यहां में अप टू हियर बेंडिंग हो रहा है लाइट का, एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल में भी है, फिर से मैं यहां में बना देता हूं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कंसीडर करने से लाइट ऐसे जाएंगे स्क्रीन। तो सी दिस पर्सन हैज बीन ब्लॉक्ड, सो यहां पे लाइट नहीं हुआ, दिस इज डार्क। तो अभी के लिए वी कॉल दिस रीजन एज ज्योमेट्रिकल शेडो, ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, ठीक है ना। ये पूरा डार्क होगा, यहां से लेके ये डार्क होगा, और यहां में इल्यूमिनेशन होगा साइड में, आई मीन साइड यहां में ब्राइटनेस होगा, यहां से लेके यहां ब्राइटनेस डार्क, ठीक, ऐसा होना चाहिए। लेकिन असल में देखा गया तो यहां में डार्क बैंड बनता है, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट, यहां में भी डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, एंड अल्टीमेटली ये डार्क हो जाता है। नाउ दिस इज सेंट्रल डार्क, राइट। तो
उसका मतलब लाइट जो बेंडिंग हुआ है लाइक दिस, लाइक दिस, चलिए ऐसा होना चाहिए, यहाँ तक हुआ। तो ये डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो किसे बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ में लाइट बेंडिंग हो रहा है तो यहाँ पे बहुत लाइट जा रहा है, तो उन लोगों का इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ में डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है, राइट। तो ये फिनोमिनन को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ में यहाँ से लेके ये ब्राइट रीजन, यहाँ में यहाँ से लेके ये ब्राइट रीजन, ठीक, यहाँ में भी बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस अमोंग दिस रे ऑफ लाइट, ओके, इट विल फॉर्म एंड इंटरफेरेंट फ्रिंजेस इन दिस रीजन। सो नाउ वी कैन डिफाइन व्हाट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट, ओके, bending of light around the corners of an aperture or an opaque obstacle, and spreading of light waves in the region of geometrical shadow. See, ye geometrical shadow tha, isme light spread ho gaya, pehle ye geometrical shadow tha lekin abhi light jo yahan spread ho gaya, ye pehle geometrical shadow tha abhi light jo yahan spread ho gaya, theek, to usi ko bolte hain spreading of light waves into the region of geometrical shadow is called diffraction of light. Very simple. So light deviates from what? Its linear path. ठीक है? Okay, तो light bending कैसे हो रहा है? How does light bends? So we cannot explain this on the basis of geometrical optics. Okay. So in order to explain the bending of light, we will have to consider the Webb's optics. Okay. So suppose this is the source, it will create a wavefront, and suppose this is an aperture. तो यहाँ पे plane of aperture है, we can imagine plane of aperture. तो जब wavefront यहाँ पहुँच जाएंगे, when the wavefront will reach here, according to Huygens principle, every point on the wavefront, okay, every point on the wavefront acts like a secondary source, ठीक है ना, जितना भी पॉइंट वेवफ्रंट में होता है, यहाँ पे हालांकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है, यहाँ पे एक दो इसीलिए शो कर रहा है कि सिंप्लिसिटी के लिए शो कर रहा है, तो यहाँ पे फिर ये सेकेंडरी सोर्स फिर वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो ऐसे ऐसे करके प्रोड्यूस करेगा, सी like this. तो यहाँ पे हम लोग रे बना सकते हैं, तो रे जो एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट, ठीक है ना, सो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, यहाँ एवरीवेयर, यहाँ परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट होना है, ठीक है ना सी, तो ऐसे करके लाइट बेंड हो रहा है सी, अभी लाइट बेंडिंग होना शुरू हो गया, तो एक यहाँ में ऑब्स्टेकल होने से भी लाइट कैन ट्रेवल लाइक दिस, यहाँ में भी ऑब्स्टेकल है लेकिन लाइट ऐसे ट्रेवल करेगा सी, ठीक है, तो लाइट ऐसे बेंडिंग होता है। सो द सुपर पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव प्रोन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, ओके, कॉजेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, अभी ये लोग यहाँ में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगा, ठीक है ना, तो अभी आप मालूम हो गया डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑप्टिकल ऑब्स्टेकल और एन एपर्चर एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू द रीजन ऑफ व्हाट, ज्योमेट्रिकल शेडो, इसको डिफ्रैक्शन एग्जाम में आने से आराम से लिखने। तो अभी हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में दो होता है, वन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, टू फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये पूछता है दोनों फाइव मार्क्स में, दो बार एग्जाम में पूछ चुका है। अच्छा, तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सोर्स का और ऑब्स्टेकल का फाइनल डिस्टेंस होता है, स्क्रीन कैन बी एनीवेयर, ओके, बस हमको यहाँ इमेज मिलना है।
या ऐसे भी हो सकता है कि एपर्चर और स्क्रीन जो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस में है, और सोर्स कैन बी एनीवेयर, ठीक है, सोर्स कैन बी एनीवेयर, ये भी हो सकता है, या सोर्स एंड स्क्रीन दोनों एपर्चर का फाइनाइट डिस्टेंस में है, ठीक है, समझ गए ना, ये याद रखना है। फ्राउनहोफर में आने से, फ्राउनहोफर में ऐसा होता है, सोर्स और स्क्रीन दोनों बहुत दूर में, इनफाइनाइट में दोनों, ओके, सोर्स भी इनफाइनाइट में है, स्क्रीन भी इनफाइनाइट में है, ये फ्राउनहोफर डिप्रेशन में होता है ऐसा, ठीक है। फ्रेस्नेल डिप्रेशन में सोर्स जो जनरली कहीं में होता है, तो उसका वेव फ्रंट जो जनरली स्फेरिकल होता है या सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। तो मान लो सोर्स यहाँ में है, तो पॉइंट सोर्स होगा तो ये स्फेरिकल होगा, लाइन सोर्स होगा तो सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट सोर्स है, तो वेव फ्रंट जो स्फेरिकल होगा। अच्छा, हम लोग जो एपर्चर के बीच में एक प्लेन एज्यूम कर सकता है, जस्ट इमेजिनरी प्लेन, ओके। तो जब ये यहाँ में पहुँचेगा लाइक दिस, तो हम लोग को मालूम है वेब प्रोन में सपोज स्फेरिकल वेब प्रोन, ये मान लो प्लेन वेब प्रोन है, तो यहाँ में तो एवरी पार्टिकल जो सेम फेस में होता है ऐसा वाइब्रेट करेगा, ऐसा वाइब्रेट करेगा, ऐसा वाइब्रेट करेगा लाइक दिस, सेम फेस ऑसिलेशन जो हम पहले बताया था। और यहाँ में क्या हुआ, ऐसा वाइब्रेशन होगा पार्टिकल, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग प्लेन वेव में देखा जाए तो सी दे आर इन फेस, देख रहे ना, दे आर इन फेस। यहां में देखा जाए तो सी, क्योंकि एपर्चर का जो प्लेन हम लोग इमेजिन किया है ये ऐसा होगा, मान लो यहां में है, तो सी दे आर आउट ऑफ फेस, इस स्फेरिकल के लिए ये आउट ऑफ फेस हो रहा है। वेब प्रोन में तो सेम फेस होगा, लेकिन यहाँ में एपर्चर का जो इमेजिनरी प्लेन है यहाँ में आउट ऑफ फेस हो रहा है, सी आउट ऑफ फेस हो रहा है। एनीवे फिर इसका सुपर पोजिशन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, यहाँ का जितना सुपर इम्पोज होगा वो हम लोग आगे जाके पड़ेगा। और अगर ये प्लेन वेव है मान लो, और जो हम लोग इमेजिनरी प्लेन एपर्चर जो इमेजिन किया है वो भी तो प्लेन है, ठीक, तो ये भी स्क्रीन में ये लोग भी सुपर इम्पोज होगा, सुपर इम्पोज करके यहाँ में प्रिंजेस बनेगा, वो भी हम लोग नेक्स्ट में देख लेगा, ठीक। सो नाउ इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन द सोर्स इज एट इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे हम एक काम कर सकता है, अगर सोर्स यहाँ में रहने से है तो सोर्स लाइट ऐसा प्रोड्यूस करेगा, आई मीन ऐसा प्रोड्यूस करेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा है, मान लो, तो लाइट को यहाँ में ट्रेवल करने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये स्लो डाउन हो गया हमें, जो लाइट यहाँ जा रहा है यहाँ ये पार्ट में जा रहा है, शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और जल्दी निकल जाएगा, तो इसका सेम हो जाएगा, ये पार्ट का भी यहाँ में जा रहा है शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है जल्दी निकलेगा, तो ये मिडिल वाला लाइन को सेम करेगा, सेम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ का भी ऐसे ही होगा, यहाँ का भी ऐसे ही होगा। तो अल्टीमेटली कॉन्वेक्स लेंस में पास करने के बाद वो लोग पैरेलल लाइट बन जाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइट। तो अभी ये पार्ट ऐसा लग रहा है कि ये दूर से इन्फिनिटी से आया हुआ है, ठीक है, तो मीनिंग ये है कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करने से हम लोग सोर्स को इन्फिनिटी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये लाइट लोग अभी पैरेलल है, तो इसका वेब प्रॉब्लम हम लोग पैरेलल मान सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी ये प्लेन वेब प्रोन जा रहा है, और जो प्लेन ऑफ एपर्चर है इसका पैरेलल होगा, ये भी है, ये प्लेन वेब प्रोन है और ये जो प्लेन ऑफ एपर्चर है दोनों पैरेलल होगा। तो यहाँ में जितना भी अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द वेब प्रोन, ओके, इट्स ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, और सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस तो है ही, साथ में दे विल बी इन फेस लाइक दिस।
जो पहले हम यहाँ एक्सप्लेन किया ना वो लोग सब फेस में हुआ ठीक है. सो आफ्टर दिस दे विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन राइट. बट हियर द प्रॉब्लम इज दैट द इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी. इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी राइट. बट हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को स्क्रीन सामने में चाहिए, हम लोग को स्क्रीन यहाँ चाहिए ठीक. क्योंकि दूर में बनने से तो कोई प्रिंटर्स भी दिखाई नहीं देगा, तो हम लोग एनालिसिस करके कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा. तो फॉर दिस व्हाट वी विल डू, क्या करना चाहिए सोचो. बोलो क्या करना चाहिए. वेरी सिंपल थिंग, अगेन वी विल यूज वन कॉन्वेक्स लेंस हियर, कॉन्वेक्स लेंस राइट. तो ये लाइट जो यहाँ से ट्रेवल करेगा, वी नो दैट ये बेंडिंग हो जाएगा, ये बेंडिंग हो जाएगा लाइक दिस, बेंडिंग हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगा ठीक है ना. सो यहाँ पे हम लोग को इमेज मिलेंगे. ये है आपका फ्रॉनहोफर का एग्जांपल, ये है आपका फ्रेसनेल का एग्जांपल ठीक है ना. तो डिफरेंस क्या है अभी तो आप बोल सकेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेसनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग ये वेब प्रॉन में अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन अ वेब प्रॉन इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेबलेट राइट. तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा आपका लाइक दिस, सेकेंडरी वेबलेट प्रोड्यूस हो रहा है. सी ये बैक ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी नहीं होगा जो हम पहले डिस्कस कर चुका है ठीक है. यहाँ में सेकेंडरी वेबलेट का एम्पलीट्यूड जो जीरो हो जाता है, फॉरवर्ड मोशन में मैक्सिमम होता है. तो ऑब्वियसली बैकवर्ड मोशन ऑफ एनर्जी या बैकवर्ड मोशन ऑफ लाइट नहीं होता है. तो हम लोग यहाँ में भी रे बना सकता है. तो व्हाट इज रे, इफ वी ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द वेब प्रॉन, सी यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है. अगेन ऐसा भी जा सकता है, सी वेब प्रॉन यहाँ में है, इसका परपेंडिकुलर यहाँ भी जाता है ठीक. अगेन सी यहाँ भी जाता है, यहाँ में भी वेब प्रॉन, इसका परपेंडिकुलर बनाना ऐसा जाता है ठीक है. तो अगर हम कुछ फिर पर्टिकुलर लाइन को कंसिडर करने से दे विल बी लाइक दिस, फिर वो लोग पैरेलल होगा ठीक है. तो इसको भी हम सेम लेंस यूज करके, मान लीजिए बड़ा है, सेम लेंस यूज करके फिर यहाँ में हम लोग फोकस कर सकते हैं ठीक. यहाँ पे ये फर्स्ट रे और ये सेकेंड रे का कॉन्स्टेंट एंगल होता है थीटा 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 ओके थीटा, वो लोग एक दूसरे के बीच में कॉन्स्टेंट एंगल होता है, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में है ठीक है. अच्छा फ्रेसनेल में एक्सपेरिमेंटली तो बहुत इजी होता है, आसान होता है, लेकिन एनालिसिस में आउट ऑफ फेस होने का कारण बहुत कॉम्प्लेक्स होता है अगर आप एनालाइज करेगा तो. लेकिन फ्रॉनहोफर में क्या होता है, फ्रॉनहोफर जो क्योंकि यहाँ में प्लेन वेव प्रॉन है, उसके बाद जितना भी पार्टिकल है सब फेस में है, तो ये मैथमेटिकली हैंडल करने में आसान होता है ठीक है. लाइट भी पैरेलल में है ठीक है, एंगल भी सिमेट्रिक है, पैरेलल में है, फेस में है, तो ये मैथमेटिकली हैंडल करने में आसान होता है ठीक है. अच्छा अगर हम एग्जांपल देखा जाए तो, एग्जांपल देखा जाए तो फ्रेसनेल में और फ्रॉनहोफर में, फ्रेसनेल में एग्जांपल होता है आपका डिप्रेशन एट स्ट्रेट एज. मान लो एक ऑब्स्टेकल है, मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एज, आप इसको स्ट्रेट एज बोलेगा. तो यहाँ में लाइट लाइट ऐसा आएगा, डिप्रेशन होगा, फिर डिप्रेशन एट नैरो स्लिट, नैरो स्लिट में डिप्रेशन, ये फ्रेसनेल का एग्जांपल है. थ्री डिप्रेशन एट स्मॉल ओपेक डिस्क, ओके डिस्क डिस्क है, तो यहाँ में फिर डिप्रेशन होगा, लाइट का डिप्रेशन होगा यहाँ में. उसके बाद वायर, एक वायर मान लीजिए वायर है, यहाँ में भी डिप्रेशन होगा ठीक है. तो आपका सिलेबस में डिप्रेशन एट स्ट्रेट एज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे. अगेन डिप्रेशन एट व्हाट, ओपेक डिस्क, ओपेक डिस्क वन, इसको ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे ठीक है. और फ्रेसनेल का एप्लीकेशन हम लोग जोन प्लेट, जोन जोन प्लेट, जोन प्लेट बना के हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेसनेल का एग्जांपल को, ये हम लोग बाद में देखा जाएंगे अभी नहीं. अच्छा फ्रॉनहोफर में एग्जांपल आता है आपका डिप्रेशन एट सिंगल स्लिट या डबल स्लिट, सिंगल स्लिट या डबल स्लिट,
ठीक है, ये हम लोग देखेंगे डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, टू एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल डिफ्रैक्शन, सेकंड एग्जांपल डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये हम लोग बाद में समझेंगे। तो डिफ्रैक्शन स्ट्रेट एज एग्जाम में आता है, ये भी एग्जाम में आता है, जोन प्लेट भी एग्जाम में आता है, ठीक है, फिर ग्रेटिंग, ग्रेटिंग भी एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिफरेंस में आते हैं। तो फ्रेसनल और फ्राउनहोफर का डिफरेंस क्या क्या है याद कर लो, क्या क्या है। पहले तो यहाँ में सोर्स या स्क्रीन या दोनों एपर्चर का फाइनाइट डिस्टेंस में है, ठीक। यहाँ में सोर्स और स्क्रीन जो एपर्चर का इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ में जनरली वेव पॉइंट जो स्फेरिकल होता है, पॉइंट सोर्स या सिलिंड्रिकल होता है। यहाँ में लाइट जो दूर से आता है तो यहाँ पे वेव पॉइंट जो प्लेन होता है, ठीक है। और बताओ क्या एट्री में, और बताओ फोर फाइव, पांच एग्जांपल दे रहे हैं हम, ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। थ्री, थ्री में क्या है, यहाँ में कोई लेंसेस यूज नहीं होता है ना, हमने दिखाया ना पर्सनल में कोई लेंस यूज नहीं होता है, कोई लेंस यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ में फ्राउनहोफर में क्या होता है, एक लेंस जो लाइट को पैरेलल बनाने के लिए एपर्चर में आने से पहले, एक जो डिफ्रैक्शन होने के बाद उसको इमेज में लाने के लिए, टू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और एग्जांपल बताओ, यहाँ में सेकेंडरी वेवलेट का पेज जो सेम नहीं होता है, क्यों, से ये वेपन है, ये सेकेंडरी वेवलेट है, ठीक है, तो ये लोग का फेस सेम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ में मान लो एपर्चर का प्लेन ऐसा एज्यूम किया है, तो फिर ऐसा हुआ ये दोनों भी आउट ऑफ फेस है, यहाँ भी ऐसा हुआ आउट ऑफ फेस है, ठीक, लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं है, फ्राउनहोफर में सेकेंडरी वेवलेट का सेम पेज में हुआ, जो हम पहले एक्सप्लेन किया था, ठीक है, दे विल बी इन सेम पेज, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए तो फाइव एग्जांपल में यहाँ में डिस्टेंसेस ऑफ सोर्स या स्क्रीन इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है, ओके। यहाँ में डिस्टेंसेस तो उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि इन्फिनिटी में है ना, उसमें कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ में एंगुलर इंक्लाइनेशन मैटर करता है, जो हम बोला था जो एंगुलर इंक्लाइनेशन थीटा है, ये मैटर करता है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ में डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस आप याद करके रखो, फिलहाल एग्जाम में तो डिफरेंस बिटवीन टू नहीं आया है, जस्ट पर्सनल एंड फ्राउनहोफर आया है, तो आप डेफिनेशन लिख दो, फिगर बना दो, उसके बाद उसके बारे में लिख दो, ठीक है, ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच।